कटनी जिले के बड़वारा में स्थित विजय राघवेंद्र सिंह के निजी निवास पर कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र बसंत सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गया प्रसाद विश्वकर्मा, जनपद सदस्य सुनील सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी 2023 को संसद में अपने भाषण के दौरान अडानी महाघोटाले पर सीधे सवाल पूछे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा संसद को बाधित कर रही है और इसे काम नहीं करने दे रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह सब भाजपा अडानी को बचाने और ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। कि अडानी के साथ में आपका मोदी जी क्या संबंध है, इस बात का सदन में उन्होंने उठाया है और इस बात को लेकर उन्होंने एक सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदस्यता से अलग कर देना, लोकतंत्र की हत्या करना, फिर उसके बाद में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक बंगला खाली करा देना, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश की जनता को? और कोई चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट का मामला हो, उसमें हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग को गोल कर देना, विलुप्त कर देना उसको, क्या मैसेज देश की जनता को बताना चाहेंगे आप? ये बहुत निंदनीय काम है और इसके पहले मेरे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हमारे गया प्रसाद विश्वकर्मा जी ने देश के बारे में आपको अवगत कराया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सुनील भाई बघेल जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर,